पहले पढ़ाई करो, तैयारी करो। सिवाय मोदी जी के नारे लगाने के कुछ नहीं करता आप लोग, मोदी जी करते। समय जाके समझ जाओ, अब की बार 237 पाए, अब की बार 130-35 पाए जाओगे जब 5 साल चुनाव होगा। योजना अग्निवीर है, इसको खत्म करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां इस देश के अंदर कराई जाए। हो सकता है चूक हो गई आप लोगों से, किसान आंदोलन में भी चूक हो गई थी, आप माने नहीं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी इसका कारण, प्रमुख कारण है। पहले कृषि मंत्री जी पता करो पूरा। आज से लोकसभा सुचारू रूप से चालू हो गई। देश की जनता जब पार्लियामेंट चलती है तो देश का नौजवान, किसान, तमाम वर्ग की उम्मीद करता है कि लोकसभा चलेगी और हमारे मुद्दे वहाँ उठाए जाएंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और उनका समाधान होगा। सौज महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो हमने देखा, स्कूली बच्चों को जिस तरह कहानी सुनाया करते थे, इसमें मुझे कोई विजन नज़र नहीं आ रहा है। बस ये अभिभाषण के पक्ष में जो कसीदे पढ़े जा रहे थे, सही बोला। मेरे हिसाब से तो 2 बार आप सत्ता के अंदर रहे और 2 बार सत्ता में रहने के बाद 3री बार जब आपको आधा अधूरा जनादेश मिला और उसके बावजूद इस तरह का अभिभाषण होता, तो ये क्या आप इस अभिभाषण के अंदर, जहाँ आपके कई हारे हुए माननीय जो सांसद चुनाव हार गए, तो उन्होंने ये कहा था कि अग्निपथ योजना की वजह से हम चुनाव हारे। मेरे राजस्थान के अंदर भी 3 भारतीय जनता पार्टी के हारे उम्मीदवारों ने बात कही थी। समझ महोदय, अग्निपथ जो इस अग्निपथ योजना, सुनो मेरी, आप पहले कृषि मंत्री जी पता करो पूरा। अग्निपथ योजना और अग्निवीर उसके अंदर जाते हैं, उनको कहता है। तो अग्निपथ जो योजना है ये लेके आए और उसका विरोध हमने पहले दिन से किया। ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी और देश का नौजवान कहीं न कहीं ये महसूस कर रहा है कि सेना के अंदर जो सम्मान पहले मिलता था, हमारे गांव के गांव, जब सेना के अंदर कोई जाता तो गांव के अंदर बड़ा धूम धड़ाके स्वागत होता। मेरा बेटा सेना के अंदर गया, हम पंजाब से, हमारे सामने बैठे हैं मंत्री जी, बिट्टू जी, ये लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये चूरू वाले MP साहब, सेना के अंदर जाने का मतलब रोजगार के लिए नहीं, वो गौरवान्वित महसूस करता कि मैं सेना के अंदर गया, और उसका पिताजी गाँव की चौपाल में कहता कि मेरा बेटा सेना के अंदर गया। ये बड़ी बड़ी शहादत 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाइयों के अंदर हमारे नौजवानों ने दी। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जितने अलग अलग रेजिमेंट जो हमारी बनी सेना के अंदर, वो रेजिमेंट का एक अलग नारा होता है और वो रेजिमेंट किस तरह लड़ाई लड़ती है। लेकिन इस अग्निवीर जो योजना, अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीर जो भर्ती किए और जिस तरह अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, अग्निवीर अगर लड़ते हुए शहीद हो जाता तो उसको शहीद सरकार नहीं मानती। जैसा रक्षा मंत्री जी कहते कि 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता साहब। लोग वहाँ लड़ने के लिए 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं। हमारी सेना जो वर्ल्ड के अंदर सबसे मजबूत थल सेना के रूप में इंडियन सेना को माना गया। तो मेरी ये मांग रहेगी कि इस अग्निपथ जो योजना अग्निवीर है, इसको खत्म करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियाँ इस देश के अंदर कराई जाए, जिससे सेना का सम्मान लौटे और किसान के बेटे सेना के अंदर जाना चाहे। हमारे यहाँ सेना भर्ती रैलियाँ में लोग गए ही नहीं। अग्निवीर वाले के अंदर लोगों ने बहिष्कार कर दिया, इनके चूरू के अंदर बहिष्कार कर दिया, सीकर के अंदर कर दिया, हरियाणा के अंदर कर दिया। ये आपके आर्मी के हमारे बेटे MP साहब। तो हम चाहते हैं कि भारत का सम्मान कैसे बढ़े। हो सकता है चूक हो गई आप लोगों से, किसान आंदोलन में भी चूक हो गई थी, आप माने नहीं। 700 किसानों को शहादत दी, उसके बाद आपने बिल वापस लिए, ये भी बड़ी चूक है। और अगर आप चाहते हो कि हरियाणा आपके हाथ से नहीं जाए, महाराष्ट्र आपके हाथ से नहीं, समय जाके समझ जाओ। अब की बार 237 पाए, अब की बार 130-35 पाए जाओगे जब 5 साल चुनाव होगा। धीरे धीरे घट रहे हो। 400 पार का नारा दिया था, नहीं पहुंच पाए। राजस्थान के हमारे मंत्री जी बैठे सामने, 2 मंत्री राजस्थान के अंदर, मेरे को कह रहे थे पिछली बार कि हमारी वजह से आप आ गए, ये पिछली बार कर लो, मैं तो फिर आ गया वापस, आ गया 10, 15, 10, 12 साथ आए, 3-4 आपके मार्जिन पे बॉर्डर पे रहे थे सब आप। तो मेरी समझ महोदय, एक समझ महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि इस अग्निवीर अग्निपथ योजना को समाप्त करके, और एक उस समय जब अग्निपथ योजना लाए थे तो रुकिए भाई 1 मिनट प्लीज मूवी अलग है, इस योजना का नाम पढ़ ले आप, सुनो, पहले पढ़ाई करो, तैयारी करो। सिवाय मोदी जी के नारे लगाने के कुछ नहीं करते आप लोग, मोदी जी करते, पढ़ा करो। तो ये मेरा एक उस समय क्या हुआ था, कि जब योजना आई उस समय आप कंक्लूड एक मिनट साहब पूर्व सेनापति जो रैलियां होती थी उसमें हमारे बच्चों ने जो फिजिकल थल सेना आपकी रुकिए साहब क्यों बोल रहे हैं आप थल सेना वायुसेना और आपकी नेवी यू इन तीनों के अंदर फिजिकल हो गया और बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए उनकी भी भर्ती नहीं कर रहे हो उनकी भर्ती की जाए। तो मेरी ये मांग रही कि शपथ में अग्निवीर अग्निपथ को समाप्त करके और नए सिरे से सेना के सम्मान के अंदर बहुत चिंतित है पूरा देश और आप आपके अंदर भी इस बात को लेकर हलचल है। निश्चित रूप से जब इस बार चोट वोट की चोट लगी है तो आपके भी थोड़ी बहुत श्री सुदामा दो मिनट बोल रहे साहब आप एक बार शपथ मोदी 2 मिनट बात तो समाप्त करो मेरी आप तो 2 ही मिनट में करा दिया श्री सुदामा प्रसाद शपथ मोदी 2 मिनट सबको दिया आपने 2 मिनट दो मिनट में समाप्त कर लेता हूं। इम्पोर्टेंट टॉपिक बात कर रहा हूं। अब मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा नहीं, उनको टोका टोकी नहीं करूंगा। टॉपिक बात कीजिए लेकिन कंक्लूड कीजिएगा ना। महोदय समाचार पत्रों में असंगठित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों को पढ़ रहा था। विगत 7 सालों में 18 लाख उद्योग बंद हो गए 54 लाख लोगों को नौकरी खोनी पड़ी। नोटबंदी जीएसटी कोरोना महामारी इसका कारण प्रमुख कारण है लेकिन अभिभाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं। समझ महोदय युवा आत्महत्या कर रहा है और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति देश के लिए चिंता का विषय। सिंथेटिक नशा पंजाब हरियाणा राजस्थान एमडीएमए LSD इस पर कैसे रोकथाम हो ये हम सब के लिए चिंता का विषय। सबको इस पर विचार करना चाहिए। नीट की बात चली हम भी चाहते हैं कि नीट के अंदर एक दिन की चर्चा होनी चाहिए हमारी सबकी मांग है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें।